ऐसे कुछ प्रोडक्ट जो हमारे लिए बहुत अच्छा है, पूरे इंडिया के लिए अच्छा है। एक्चुअल में देखा जाए तो हमारे पास इतने प्रोडक्ट है। चेयरमैन और हमारे मैनेजमेंट इन कोरिया के साथ बात हो रहा था, आई वॉज हैविंग ए डिस्कशन विद देम, दे सेड इंडिया में इतने प्रोडक्ट है कि कोई भी रॉयल मास्टर बन सकता है। सो हैव कॉन्फिडेंस ऑन दैट। कमी है तो सिर्फ फायर की। फायर, फायर, वेयर इज द फायर? सो आप लोगों को प्रोडक्ट का जरूरत नहीं है, खत्म कर दिया। सो नाउ यू एक्सेप्टेड दैट वी डोंट नीड एनी न्यू प्रोडक्ट। ओके, ये प्रोडक्ट कुछ बताओ प्रोडक्ट के बारे में, या प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट जो है हम लोग डायरेक्टली देखते हैं क्या है ये प्रोडक्ट, बताना तो क्या आपसे बताएंगे, योर नॉलेज इज मच मोर देन माइन। सो लेट्स सी द प्रोडक्ट। कैन यू सी द प्रोडक्ट? आर यू एक्साइटेड? विद अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। ताली के साथ। वाह, निकाले और रास्ते में दिखाते ना मुन्ना। ये प्रोडक्ट बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है। ये प्रोडक्ट है हो चुका है। ट्रस्ट मी, दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर हियरिंग द न्यूज। नोबडी इन दिस वर्ल्ड हर्ड अबाउट दिस न्यूज एवर एनीवेयर। सो पहली बार आप लोगों को बता रहा हूं ऑफिशियली कि दिस प्रोडक्ट हैज बीन रजिस्टर्ड ऑलरेडी, और एक्सपेक्टिंग अगेन। फिर एक दिन बाद फिर बता के आया नहीं, फिर दो दिन बाद बोला कि डिले क्यों हो रहा है। एक्सपेक्टिंग इन द मंथ ऑफ जून यू कैन सेल। इसके ऊपर 8 साल का कंटिन्यूअस रिसर्च है। मैं बताऊंगा क्या आप लोग तो एक वीडियो देखते हैं, प्लीज हैव अ लुक इन द वीडियो।
द मोस्ट अवेटेड एंड द मोस्ट लवेबल प्रोडक्ट एटमीज हिमोहेम. सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट प्रोडक्ट एटमीज हिमोहेम, द मोस्ट लवेबल एंड द मोस्ट अवेटेड ऑफ दिस टुडे. सो जब भी हम बात करेंगे हिमोहेम की, सो इट इज अ प्रोडक्ट विच इज अ हेल्थ सप्लीमेंट टू बूस्ट द ओवरऑल हेल्थ. अब हेल्थ सुनते ही सबसे पहले सबके मन में क्या आता है? हेल्थ सुनते ही सबसे पहले हमें इम्यूनिटी का ध्यान आता है, हमारी इम्यूनिटी, बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म जो फाइट कर सके किसी भी तरह के इन्फेक्शन से या कोई भी हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स होती है उससे. सो ये जो हमारी इम्यूनिटी है, ये हमारी जैसे कंट्री की आर्मी होती है जो इन्वेडर्स से बचाती है, वैसे ही हमारी स्ट्रांग इम्यूनिटी बाहर के इन्फेक्शन से हमें बचाती है. और इस आर्मी को एक्ट करने के लिए सोल्जर्स की जरूरत होती है, एंड इन सोल्जर्स को हम वाइट ब्लड सेल्स के नाम से जानते हैं. सो अब ये प्रोसेस कैसे करता है, ये वर्क कैसे करता है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. सो इसके जो वर्क प्रोसीजर होता है, इसे इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं. हमारी बॉडी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से घिरी होती है, जैसे कि बैक्टीरिया एंड वायरसेस. और हमारे ये इम्यून सेल्स जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ये हमारी बॉडी को इन वायरसेस एंड बैक्टीरिया से बचाते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल, जब भी कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर होता है, फॉर एग्जाम्पल थ्रू नोज, माउथ, एनीवेयर, हम नोज का एग्जाम्पल लेते हैं, नोज से एंटर होगा, वो सीधे हमारे लंग्स में जाएगा. और लंग्स में जाके वहां पर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उन सेल्स को इन्वेड करेगा, अटैक करेगा एक के बाद एक. सो थोड़े बैक्टीरिया होंगे तो ठीक है, बट ज्यादा होंगे तो बहुत ज्यादा इन्फेक्शन कॉज करेंगे. और वहां प्रेजेंट होते हैं हमारे वाइट ब्लड सेल्स, फॉर एग्जाम्पल मैक्रोफेजेस. मैक्रोफेजेस हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं. जैसे कि हमारी लोकेलिटी में कभी भी कोई भी दुर्घटना होती है, कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी होती है या कोई भी, तो क्या होता है, सबसे पहले वहां की लोकल पुलिस एक्ट करती है. सो दीज मैक्रोफेजेस आर आवर लोकल पुलिस. कभी भी कोई भी ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस आएगा तो ये उसको डिटेक्ट करेगी और पकड़ के अंदर कर देगी. अब उसने पकड़ के तो अंदर कर लिया, बट ये इन्फॉर्मेशन भी तो बाहर पहुंचानी है कि और भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अटैक कर सकते हैं. सो उसके लिए एक सिग्नल दिया जाता है हमारी बॉडी, वो सिग्नल साइटोकाइन. साइटोकाइन एक ऐसे केमिकल मैसेंजर है जो सिग्नल पहुंचाते हैं हमारी बॉडी में कि हाँ, कोई ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर हुआ है. तो सबसे पहले मैक्रोफेजेस आइडेंटिफाई करेंगे और साइटोकाइन के सिग्नल्स रिलीज करेंगे. तो आसपास जितने दूसरे इम्यून सेल्स प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो आसपास दूसरे इम्यून सेल्स हैं, वो मास्ट सेल्स, बेसोफिल्स एंड इयोसिनोफिल्स हैं, ये वहां पर आएंगे एंड अगेन ये भी आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ और भी बहुत सारे थ्रेट्स हैं, बहुत सारे बैक्टीरियाज एंड वायरसेस हैं. सो वो अगेन और केमिकल्स रिलीज करेंगे. ये सारे केमिकल्स हमारे ब्लड की जो वेसल्स है उसको थोड़ा लीकी बनाते हैं, ताकि सारे के सारे इम्यून सेल्स एक जगह इकट्ठे हो सकें और अपना मैसेंजर सिग्नल सेंड कर सकें. और इन सिग्नल्स को हमारी पूरी बॉडी में रिले किया जाता है, जिसकी वजह से दूसरे इम्यून सेल्स जैसे कि न्यूट्रोफिल, जो कि हमारी बेस आर्मी कह सकते हैं, बेस कैंप्स जो होते हैं आर्मी के वैसे कह सकते हैं, वहां से वो आते हैं पूरी बॉडी से उस पर्टिकुलर प्लेस पे उससे फाइट करने के लिए. अगर उनकी कमी होती है तो हमारे बॉडी में जो बोन मैरोज होती है वहां और ये सेल्स जनरेट होते हैं एंड अगेन सेंड किए जाते हैं. ये सारे के सारे एक साथ इकट्ठा होते हैं और बैक्टीरिया को किल करते हैं. अगर वो बैक्टीरिया वायरस है तो हमारी बॉडी में नेचुरल किलर सेल्स होते हैं. ये जो मैं इतने सारे नाम ले रही हूँ, ये सारे हमारे इम्यून सेल्स के नाम हैं. इन सब की एक पर्टिकुलर एक्टिविटी है. जैसे हमने अभी बताया मैक्रोफेजेस, जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस रहेंगे, उसके बाद दूसरे इयोसिनोफिल, बेसोफिल, मास्ट सेल्स आते हैं, उसके बाद नेक्स्ट न्यूट्रोफिल्स आते हैं, और अगर बैक्टीरिया की जगह वायरस है तो नेचुरल किलर सेल्स. ना सिर्फ इतना, कभी कभी हमारी बॉडी के खुद के सेल्स जो कि फंक्शन लूज कर देते हैं या हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कैंसर सेल्स, जो बॉडी में हमारे हर वक्त बनते हैं और हमारे इम्यून सेल्स उसको फाइट करते रहते हैं, बट कभी कभी हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है और ये सेल्स काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं और पेशेंट को कैंसर भी हो सकता है.
तो हमारी इम्यूनिटी कैंसर सेल्स से भी फाइट करने में हेल्प करती है। तो ओवरऑल इससे हम ये समझ सकते हैं कि हमारी जो बॉडी की इम्यून सेल्स हैं वो हमारी आर्मी है, सोल्जर्स इन एक्शन है, जो हमारी बॉडी को किसी भी हार्मफुल इफेक्ट से बचाते हैं। बट इतना स्ट्रांग इम्यूनिटी होने के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी इम्यूनिटी के लिए थ्रेट हैं, जिनके होने की वजह से हमारी इम्यूनिटी वीक हो सकती है। लेट्स सी क्या है। सबसे पहले रेडिएशंस। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती जा रही है, हम बहुत सारी टेक्निक्स यूज करने लगे हैं, अप्लायंसेस यूज करने लगे हैं। इवन हमारे मोबाइल फोन्स, वाईफाई टावर्स, इवन जो हमारे अप्लायंसेस होते हैं, फ्रिज, टीवीज, इन सब से रेडिएशन निकलती है। और कई सारे और कई सारे ऐसे रेडिएशंस हैं, जैसे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट, थर्मल प्लांट, बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं जो डेवलपमेंट के लिए एनर्जी यूज करती है और रेडिएशन रेडिएट करती है। ये सारे रेडिएशंस हमारी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए एक पेट है, तो हमें इन सब से बचना है। नेक्स्ट जो थ्रेट है वो पोल्यूटेंट्स हैं। पोल्यूटेंट्स मीन्स ये जितनी भी स्मोक जो हमारे व्हीकल से, हमारे ऑटोमोबाइल से, इंडस्ट्री से, इवन जो हम इतने सारे केमिकल्स यूज करते हैं, उन सब से, क्लीनर्स एंड इवन ट्रीटमेंट प्लांट्स, ये सब केमिकल्स यूज करते हैं। ये सारे केमिकल्स भी हमारे बॉडी की वो इम्यूनिटी को वीक करते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द इन्फेक्शंस। माइक्रोब्स हमारे एनवायरमेंट में हर जगह प्रेजेंट है, जितने भी बैक्टीरिया वायरस होते हैं, अभी भी हम बैठे हैं, हमारे आसपास एनवायरमेंट में कोई भी चीज हम टच करें, सब जगह है। सो इन इन्फेक्शन से बचने के लिए भी हमारी इम्यूनिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इन सभी चीज़ों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, हमें हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना है। अब हम इस इम्यूनिटी को स्ट्रांग कैसे करें, लाइक फॉर एग्जांपल, हम सब व्हीकल्स तो चलाते हैं, राइट? तो व्हीकल को चलने के लिए पेट्रोल की जरूरत है, फाइन। बट थोड़ा सा एडिशन जो कि ऑयल एक्स्ट्रा डलता है वो परफॉर्मेंस इंक्रीज करता है, हमारे व्हीकल का एवरेज बढ़ाता है। वैसे ही हमारी बॉडी को एनर्जी की तो जरूरत है, बट ना सिर्फ पेट्रोल की, उस ऑयल की भी जरूरत है, विच यू कैन इजीली ऑब्टेन थ्रू द सप्लीमेंट्स। सो सप्लीमेंट्स एक्ट एज समथिंग एडिटिव विच इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ योर बॉडी एंड इंक्रीज द हेल्थ ऑफ योर बॉडी, एंड सो डज इट हेल्प इन इंक्रीजिंग द इम्यूनिटी ऑल्सो। So how these help supplement increases the immune system of our body. So they have the ability to protect our bodies from any kind of harm. And how that is does so, ये सब ये कैसे करते हैं, ये हमारे इम्यून सेल्स के फंक्शन को बढ़ाते हैं, उनके प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। तो जब भी हम ये इम्यून सिस्टम को एड करने वाले सप्लीमेंट लेंगे तो हमारे इम्यून सेल्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा, साथ ही साथ उनकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, उनकी फंक्शंस बढ़ेंगे, और वो हमारे बॉडी को जो हार्मफुल थ्रेट्स हैं उसको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करेंगे। इसको डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ कई बार हमारी बॉडी हाइपर इम्यून हो जाती है, बहुत ज्यादा एक्टिविया इंट्रोड्यूसिंग और मच अवेटेड प्रोडक्ट एटमीज हिमोहिम। सो हिमोहिम इज अ बोटानिकल मिक्स which can be used as a health supplement to boost the overall health. So you can say it is a health supplement which boosts our overall health, not only immunity but the overall health. क्योंकि immunity weak होने की वजह से हम लोगों को थकान होती है, उसका severe indication है थकान होना जब immunity weak होगी, and बहुत सारे infections होना। तो ये cells ना सिर्फ हमारी immunity को strong करेगा but हमारी थकान और overall health को improve करने में help करता है। So आइए हम जानते हैं कि ये हिमोहिम डेवलप कैसे हुआ। तो एज द हिस्ट्री गोज, हिमोहिम को टाइरी एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है कोरिया का, उसने 8 years ऑफ रिग्रेस रिसर्च से इसको बनाया है। तो व्हाट दिस टाइरी इज, टाइरी इज द कोरियन एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट विच इज सिमिलर टू द बार्क इन इंडिया, दैट इज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये दोनों इंस्टीट्यूट एटॉमिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट हैं। तो जैसे इंडिया में बार्क वर्क करता है, वैसे ही कोरिया में टाइरी वर्क करता है। तो हमारे हिमोहिम की डेवलपमेंट 8 years of research at टाइरी हुई है।
इवन उसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं हम लोगों ने यूज किए हैं, जो पोटेंट इंग्रेडिएंट्स एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, वो सारे के सारे मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड ड्रग सेफ्टी कोरिया से अप्रूव्ड हैं एज अ हेल्थ सप्लीमेंट। तो अब ये बना कैसे? हम सब जानते हैं कि रेडिएशन बहुत कॉमन है एंड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट काइरी ने एक नेशनल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो लोग थे, जो पर्सन्स थे, वो रेडिएशन से बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो रहे थे। प्लस इवन बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनकी बहुत सारी ट्रीटमेंट्स चलती हैं जिनमें बहुत सारा रेडिएशन एक्सपोजर होता है, जैसे कि अल्फा, बीटा, गामा, ये ऐसे यूवी रेडिएशन हैं, डिफरेंट रेडिएशन हैं जो कि हमारी बॉडी को हार्म पहुँचाते हैं। इवन बहुत प्रिकॉशंस रखे जाते हैं पूरे प्रोसीजर में, देन ऑल्सो इट अफेक्ट्स आवर इम्यूनिटी, इट वीकेंस आवर इम्यूनिटी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे रिसर्चर्स ने बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को रिसर्च किया, स्टडी किया एंड उसमें से यूनिक ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो हमारी बॉडी को पॉजिटिवली अफेक्ट कर सकें, क्योंकि सब कुछ तो एक साथ मिक्स नहीं कर सकते क्योंकि वो भी हार्मफुल होता है। तो उन सभी में जो सबसे ज़्यादा यूनिक एंड हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स थे जो सिर्फ हमारे ईस्ट में मिलते हैं, ईस्टर्न कॉन्टिनेंट्स में मिलते हैं, वहाँ से उन्होंने उसको आइडेंटिफाई किया और उसको स्पेशल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस यूज करके उसे फॉर्मुलेट किया एंड फॉर्मुलेट करने के बाद उस फॉर्मूला से हमें डिजायर्ड रिजल्ट मिले, पॉजिटिव रिजल्ट मिले, जिसे केरी ने 8 ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट के थ्रू उसको फॉर्मुलेट किया। और फॉर्मुलेट करने के बाद इसके डिफरेंट अप्रूवल्स लिए जो कि रिकॉग्नाइज होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड ड्रग सेफ्टी इन कोरिया एज अ हेल्थ सप्लीमेंट। अब इसको फॉर्मुलेट कर लिया बट अब इसके प्रोडक्शन भी जरूरी था। तो जो कोरिया में बहुत ही वन ऑफ द मेजर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज देयर, दैट इज पोलमार BNH। दिस पोलमार BNH हेल्प इन द डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ हेमोहिम एंड द ओवरऑल प्रोडक्ट वॉज देन कमर्शलाइज बाई एटमी थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो दिस इज हाउ द हेमोहिम वॉज क्रिएटेड एंड डेवलप्ड। तो वॉट अबाउट द इनग्रीडियंट्स, वॉट गिव्स द हेमोहिम द पावर? द हेमोहिम पावर इज डिराइव्ड फ्रॉम द यूनिकली रिसर्च्ड बोटानिकल एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एंजेलिका गिगास, क्विनिडियम ऑफिसिनेल एंड पियोनिया जैपोनिका। ये ऐसे 3 इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको रिसर्च किया गया इनकी सेफ्टी पे, इनकी एफिकेसी पे, और इन तीनों को एक स्पेशलाइज्ड एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के थ्रू फॉर्मुलेट करके हेमोहिम को बनाया। एंड ये जितने भी जो फॉर्मुलेशन डेवलप हुआ उन सबका क्लिनिकल ट्रायल हुआ और क्लिनिकल ट्रायल के बाद इसकी सेफ्टी इस्टेब्लिश हुई एंड ये सारे के सारे पूरा का पूरा फॉर्मुलेशन मिनिस्ट्री से अप्रूव किया गया एंड इवन इन इंडिया इट इज बीन रिगार्डेड एंड कंसिडर्ड बाई FSSAI ऑल्सो। तो दैट इज हाउ इट हैज फाइनली एंटर्ड द इंडियन मार्केट। तो जब क्लिनिकल ट्रायल्स केरी में किए गए तो बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स ऑब्टेन हुए जो बताते हैं कि हेमोहिम के जो कंस्टिट्यूएंट हैं वो हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करते हैं और ओवरऑल हेल्थ को भी। तो सबसे पहले ये रिजल्ट देखा गया कि ये एनके सेल्स, दैट इज नेचुरल किलर सेल्स, जो हमने अभी प्रीवियसली स्लाइड्स में देखा था नेचुरल किलर सेल्स, इनको एक्टिवेट करते हैं। इनको एक्टिवेट करने का मतलब है कि ये हमारे कैंसर सेल्स के अगेंस्ट फाइट कर सकेंगे, वायरस इन्वेजन के अगेंस्ट फाइट कर सकेंगे। सो दिस इज द पावर ऑफ हेमोहिम। सेकेंडली ये भी देखा गया कि साइटोकाइंस क्रिएट करते हैं। साइटोकाइंस जो सिग्नल्स बात की थी ना हमने, जो सिग्नल्स रिली होते हैं, तो इन साइटोकाइंस सिग्नल्स को भी क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। अगेन इट एड्स टू द इम्यून सिस्टम्स रिस्पॉन्स। नेक्स्ट, जितने भी इम्यून सेल्स हैं उनको एक्टिवेट करते हैं। जब इम्यून सेल्स बन जाते हैं उनको एक्ट करने के लिए एक्टिवेशन की जरूरत होती है। सो जिन पेशेंट्स को हेमोहिम दिया गया था तो वहाँ वो सारे इम्यून सेल्स एक्टिव मोड में आ गए थे। तो यू कैन से कि केरे के रिजल्ट्स के बाद हमने ये सारे रिजल्ट्स ऑब्टेन किए जो इवेंचुअली बताते हैं
कि जो हमारा फॉर्मुलेशन है वो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में हेल्प करता है. सो हेमोहेम कैन बी यूज्ड एज अ ओवरऑल हेल्थ बूस्टिंग सप्लीमेंट. इट इज रिकमेंडेड फॉर द एथलीट्स, फॉर द फिजिकल स्ट्रेंथ, फॉर द हाउसवाइफ्स बिकॉज दे फेस द रेगुलर फिजिकल फटीग, द ऑफिस वर्कर्स और एनी पर्सन who regularly work and therefore face the fatigue. Then the students, even the students can take it for reinforcement of their stamina, for the energy, ताकि वो अपने study पे focus कर पाएं और उनकी health fit रहे. Even the elderly persons, because old age में जाने के बाद धीरे धीरे energy कम होती है, immune system weak होने लगता है, ऐसे में they can also take to recover their energy. So you can say the hemohem is used for building the overall health and boosting the overall health. So to summarize it, let us go through the pointers. The hemohem was developed by KARI, that is Korean Atomic Research Institute, and it is been the number one product in the Korean networking marketing for the past 7 consecutive years. That is, from the time it was launched till now, it is the number one selling product in the Korean direct selling market. And the Hemohem's power comes from the rare and unique high quality and eco-friendly raw ingredients like Angelica Gigas. Not even this, Hemohem's the whole formulation has the 21 patent all across the globe and is being distributed among the 18 countries whole worldwide. So we all can use the power of hemohem to boost our regular energy, the overall health. So thank you.